बच्चियां भी बलात्कारियों का शिकार होती हैं, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ पर किसी न किसी की नीयत खराब होती है। कहने को बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कैंडल मार्च होती हैं, और इन बलात्कारियों के खिलाफ आवाज भी उठाई जाती है। पर क्या इन जैसे हरामियों के लिए कानून की सजा काफी होती है? कभी कभी तो वो भी नहीं मिलती, तो मैं नहीं मानती। वहाँ किसी मासूम की इज्जत निर्घात होती है, यहाँ न्यूज टीवी चैनल ट्विटर सब पर धर्मों की बात होती है। लड़की हिंदू थी या मुस्लिम, बलात्कारी मुस्लिम था या हिंदू, बलात्कार मंदिर में किया था या मस्जिद में, कहीं लड़की तो गलत नहीं थी या उसकी स्कर्ट छोटी तो नहीं थी? तो जी हाँ, स्कर्ट छोटी ही थी, पर जनाब उसकी स्कर्ट नहीं, उसकी उम्र। अरे इन बलात्कारियों से अच्छे तो आतंकी होते हैं, जो गोली चलाते हैं, बम गिराते हैं, एक झटके में सबकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। पर इन हैवानियों के जैसे अपनी भूख को मिटाने के लिए इन बच्चियों का सहारा नहीं लेते। शर्म करो बे शर्मो, तुम जैसे चंद हैवानों की वजह से पूरे के पूरे मर्दों की इनकम बदनाम होती है, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ पर किसी न किसी की नीयत खराब होती है। जय हिंद। बहुत ही सुंदर उद्बोधन इस बच्ची का। मैं आपके